अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसा कि आपको पता है कि भाई लोकल गवर्नमेंट और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए जो है वो डेट्स आ गई हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मई के 3rd वीक में होने वाला है। ये आपके सामने जो नोटिफिकेशन खुला हुआ है उसमें अब आपको क्या करना है कि आपके पास जो है वो स्टडी करने के लिए सिर्फ 1.5 से 2 महीने हैं, ठीक है, पूरे पूरे। अब आपका जो टारगेट होना चाहिए वो इस तरह होना चाहिए कि आप जो है वो दिया गया कोर्स जो है वो कंप्लीट कर सके। अब क्या है कि रिटर्न टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ टाउन ऑफिसर BPS 16, BPS 17, म्यूनसिपल ऑफिसर BPS 17 और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट BPS 17। तो अब आपको उसकी तैयारी कैसे करनी है, पहले तो अगर लोकल गवर्नमेंट की जो जॉब है आपके पास, ये टाउन ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर, उसमें आपके पास सिलेबस क्या है कि इंग्लिश क्या है 20% है, जनरल नॉलेज 20% है, एवरी डे साइंस जो है वो 20% है, और करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स 20-20% है। टोटल आपके 100% में से सारे जो ये सब्जेक्ट्स हैं ये 20-20% हैं टाउन ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर के लिए। जबकि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए क्या है, जो भी सब्जेक्ट में आप स्पेशलिस्ट हैं, जैसा कि जोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, उसमें आपको 80% सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस आएंगे, MCQs आएंगे, बाकी 20% जो है वो जनरल नॉलेज में से आएंगे। तो ये सारा जो है कंबाइन होके जो है आपका टेस्ट बनेगा। अब ये जो है वो 40-50 दिन में पढ़ना काफ़ी मुश्किल है, मगर मैं आपको जो है वो रिकमेंड करूँगा कि एक तो थ्रू जो है वो यूट्यूब आप गाइड लें, और दूसरा ये कि दो बुक्स मुझे मिली हैं ऑनलाइन। एक बुक है डॉगर्स वालों की, वो है म्यूनसिपल ऑफिसर गाइड के नाम से, चाहिए 1,000 रुपये की बुक है, ये भी आप परचेस कर सकते हैं। ये खाली अभी काम नहीं आएगी, आगे भी आपको काम आ सकती है, ये काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। इसमें आपको सॉल्व जो है क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे सारे, और करंट अफेयर्स के लिए तो आपको वैसे भी न्यूज़पेपर का सहारा लेना पड़ेगा, मगर पाकिस्तान अफेयर्स, इंग्लिश और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए ये बेस्ट बुक है। दूसरी बुक ये है SPSC की, जो है वो बुक है बाय मोहम्मद असलम भट्टी और मोहम्मद सुहेल भट्टी की, ये आपको 1,145 रुपये में मिल जाएगी, ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं आप। तो मेरा ये अंदाज़ा है कि अगर आप इनमें से जो है वो कुछ चीज़ें जो है सॉर्ट आउट करके अगर पढ़ लें तो आप जो है वो इजीली क्लियर कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आप जो है वो अपनी तैयारी मुकम्मल करके कामयाब होंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।